तो एक व्हाट्सअप है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग एकदम प्यारे सनराइज से हो रही है और बहुत सुबह यार, बहुत जल्दी निकल चुका था बट अंधेरा था इसलिए तब मोटो ब्लॉग नहीं किया, बट अभी हो गया, अच्छा खासा उजाला हो गया है और एक बहुत प्यारा सा सनराइज़ दिख रहा है। तो देखो क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है, मज़ा आएगी, इतना चिल क्लाइमेट है ना लिटरली। सो आज मैं जा रहा किधर हूँ, आज मैं भाई साहब आज की राइड जो रहने वाली है ना, मतलब ये लॉन्ग राइड अब तक की सबसे मस्त लॉन्ग राइड रहने वाली है, क्योंकि पहली बार आज तक लॉन्ग राइड में मस्त ग्रुप के साथ करता था बट अभी मैं सोलो जा रहा हूँ और सोलो और एक नया स्टेट। यस, इस बार हम लोग जा रहे कर्नाटका, इस बार को कर्नाटका को एक्सप्लोर करेंगे। इट्स नॉट अ कर्नाटका, आई नो इट्स कर्नाटक। तो आज कर्नाटक एक्सप्लोर करना है हम लोग को, आज इन द सेंस ये ब्लॉग में, ये सीरीज में हम लोग कर्नाटक एक्सप्लोर करने वाले। ये साइड सूरज है और ये साइड देखो चांद, दोनों भी एक ही टाइम पे देखने मिल रहे हैं हम लोग को, मस्त है। और क्या ये ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे इतना सीनिक रोड है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल रोड है ये, बट नेक्स्ट लेवल के साथ साथ ये रोड ख़राब भी है। जितना मैं पहली बार गोवा अगर कवर करने वाला हूँ ये रोड से, ये मेरा फर्स्ट टाइम है ये रोड से, तो पहली बार ही जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक वो मैं सातारा कोल्हापुर वो सब करके जाता था बट पहली बार ये रोड से जा रहा हूँ। और होप करता हूँ कि भाई रोड ठीक ठाक मिले, क्योंकि रोड अगर ख़राब रहेगा तो आधी राइड उधर ही डिले हो जाती है, मतलब फिर तो टाइम लगना ही लगना है। अभी अच्छे से अपना मैंने किलोमीटर्स ये सब ट्रिप मैंने पूरी ज़ीरो कर दी है, तो ओवरऑल मेरा कितना ये रहेगा वो मैं बता दूंगा। ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे रोड फेमस है, वही चीज़ चालू है, ख़राब रोड, मतलब क्या ही गाड़ी 20-30 के ऊपर जा ही नहीं पा रही इधर, ऊपर से रोड्स के काम चालू है तो दोनों साइड, मतलब बोलते हैं ना एक साइड का रोड बंद है तो सिंगल लेन पे ही दोनों चालू है, देखो उसमें यह ऐसा रोड है, वाह ये रोड पर टायर की जो हालत होने वाली है ना लिटरली। वैसे अभी टाइम 8 बज गया है, मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस कवर हो चुका है। किधर चाय पीने का सोच रहा हूँ बट यू रुकूँ या नहीं रुकूँ ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये ऐसे रोड पे रुक के मतलब ही नहीं है, जितना जल्दी ऐसा रोड कवर हो जाए वो सोच रहा हूँ, क्योंकि एक बार के स्टेज पर मैं जितना ज़्यादा खींच सकता हूँ खींच लूँ, फिर उसके आगे देखेंगे, बट पहले ये रोड ख़त्म हो जाए यार, ये रोड ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहे, ऐसे ही रोड चल रहा है जब से। रोड तो बोल ही नहीं सकते इसको, रोड मतलब वर्स्ट रोड है मेरा, सच में बोल रहा हूँ, इतना गंदा रोड कभी राइड नहीं किया मैं, मतलब चाह के भी आदमी इधर गाड़ी ठीक से छोड़ो चला ही नहीं सकता ऐसा है। अरे बाइक तो बाइक, फोर व्हीलर वालों को तक तकलीफ है, शी इतना वर्स्ट रोड कभी नहीं चलाया मैं, रोड है ही नहीं, रोड बोलना मतलब रोड की बेइज्जती होने वाली है ये। लिटरली कम से कम एक घंटा होने आ गया रहेगा, ठीक ठाक रोड मिला ही नहीं है, जरा भी ठीक रोड नहीं है। अरे ये ऐसा आएगा, एक होप आएगी बस कि अभी आगे रोड अच्छा है, कुछ नहीं 2 मिनट में ये रोड खत्म होएगा और फिर गंदा रोड चालू होएगा। अरे बाइक के साथ साथ बोलते ना, इंसान के भी पूरे पुर्जे हिल रहे इसमें सीधा,
ऊपर से सिंगल लेन, हालत कर दिया पूरा हाथ वगैरह, मतलब ब्रेकिंग क्लच इतना ही कर करके हाथ की वाट लगने लग गई, लिटरली हाथ छिल गया इधर से पूरा। इससे अच्छा वो सातारा करके जाता वो रखता, बट मेरे को बीच में एक लोकेशन कवर करना है इसके लिए ये रोड से जाना पड़ा है, अदरवाइज मैं सातारा वाले रोड से ही जाता, सबसे बेस्ट रोड है। थोड़ा लंबा है मगर बाइक भाई 80-90-100 के नीचे तो आएगी नहीं उधर, एकदम मस्त एवरेज मिल के चलेगा। और इधर तो रोड का नामो निशान नहीं, अभी आपसे बात कर रहा तब तक एक रोड मिला है बस, और अभी ये भी ख़त्म हो जाएगा। लो हो गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा बोलने के लिए, लो हो गया ख़त्म रोड, फिर से वही सड़ेला रोड। मैं किधर हूँ मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसमें, बस चले जा रहा हूँ। यूरोप एरिया का नाम वैसे कुछ बोर्ड वगैरह नहीं लगाते क्या मालूम इधर, कैसे तो अभी 70-80 तो चल रही है बाइक इधर, वरना इधर वो एक घंटा मेरा बस ऐसे लग रहा था वो बस 20-30 यही स्पीड में गया था, अभी थोड़ा स्पीड मेंटेन हो रहा है तो बाइक चलाने में भी सही लग रहा है, नहीं तो वो रोड तो भाई फर्स्ट एड कर दिया था उसने। बाकी टाइम अभी कुछ हो रहा है 9:30 और अपने पास बहुत टाइम है यार, बहुत टाइम है, पूरा दिन है अपने पास राइड करने के लिए। थोड़ा अभी भूख लग रही है, थोड़ी हल्की हल्की भूख, हल्की नहीं बोल सकते मतलब है ठीक ठाक भूख है, अगर रुक गया तो पेट भर के खा ही सकता हूँ ऐसा भूख लगी है। बट ये ठंडी की वजह से रुकने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जितना क्लाइमेट ठंडा है उतने टाइम में डिस्टेंस कवर करने वाला सही रहेगा, और नो इतने टाइम तक ठंडी लग रही है मतलब सोच लो। बट मेरे को नहीं लगता 10 या 11 बजे के बाद ठंडी रहेगी, फिर धूप आ गई तो फिर हो गया, तब तक जितना खींच सकता हूँ खींच लेता हूँ, फिर एक बार रुक के अच्छे से ब्रेक ले लूँगा। फिर अभी एक बार जो रोड अच्छा मिला यार, तब से नसीब अच्छी है कि एकदम सही है, मतलब वो रोड से बहुत अच्छा रोड चल रही है। और अभी मानगांव क्रॉस कर चुका हूँ मैं, और मेरे को तो लग रहा नहीं है कि अभी रोड ख़राब मिलना चाहिए, क्योंकि तब से तो रोड अच्छा ही मिल रहा है। मानगांव मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया यार फटाफट, 9:45 होने आ गया है। क्लाइमेट सबसे भारी है यार, एकदम ठंडा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ इतनी ठंडी लग रही है ना ये स्पीड में बेहिसाब। मतलब मेरे को लगा था सुबह सुबह में रहेगा ठंडी 5-6 बजे के टाइम पे, 6-7 बजे तक, बट ये 10 बजने आ गया फिर भी ठंडी नहीं जा रही यार। रोड मस्त, एक नंबर रोड मिल गया, अभी ऐसे रहेगा तो बहुत जल्दी मैं डिस्टेंस कवर कर लूँगा, तो फिर शायद मैं ब्रेक भी ना लूँ, क्योंकि मैं जब से निकला हूँ तब से मैंने कोई ब्रेक भी लिया नहीं है। देखते आगे का, आगे फिलहाल जितना हो सके उतना डिस्टेंस फटाफट कवर करता हूँ। चलो रोड को तारीफ सुनी ही नहीं जाती लगता है, अब जो रोड मिला है ना यार वो नेक्स्ट लेवल मिला है। बाकी मतलब बस रुकना ही नहीं है अभी, सिर्फ बस ऐसे रोड रहे यार, ऐसे रोड चाहिए बस। क्या
कॉर्नर था यार मस्त एकदम। रोड ने दिल खुश कर दिया है अभी। बाय द वे प्लान के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो ये ओवरऑल पूरा लॉन्ग राइड रहने वाला है 6 से 7 दिन का। 6 से 7 दिन में हम लोग सब कवर करके आ जाएंगे। मैंने मेन मेन प्लेसेस रखे हैं शॉर्ट लिस्ट करके कि मुझे इधर इधर जाना ही है। तो अभी स्टार्टिंग तो हम रत्नागिरी से करेंगे क्योंकि पहला स्टे मैं सोच रहा हूँ रत्नागिरी का ही रखूँ क्योंकि रत्नागिरी में वो जो शायद देवघली ब्रिज है वो कौन सा बीच है मुझे इतना नाम याद नहीं है, देवघली बीच ही आएगा इस वो बीच देख के तो मेरा उधर जाने का वैसे ही प्लान हो गया था। तो सोचा अभी ये जब राइड कर ही रहा हो तो उसको भी कवर कर ही लूँ, कंधार पाले और रत्नागिरी। रत्नागिरी अभी भी यहाँ से नहीं बोले तो भी 4-4.5 घंटा है। तो रत्नागिरी तो अभी मैं सोच रहा हूँ वही पहले स्टे कर लूँ, एक रत्नागिरी का स्पॉट ले ही लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे का कवर करता हूँ। बाकी यार रोड क्या प्यारा मिल रहा है यार, पूरा दिल खुश हो गया मेरा, मैं मिस कर रहा था ये। और केव्स, वॉट अ केव्स। अच्छा ये केव्स के बारे में लिखा था उधर, लोगों पूरे लाइन से केव्स है उधर। पूरा प्रॉपर स्टेयर्स बना है इसके लिए जाने के लिए। ये देखिए कोंडाना केव्स याद आ गया मेरे को, ये तो बहुत सिंपल था फिर भी, कोंडाना में तो ट्रैक करके था। जो हिसाब से मैं चल रहा हूँ मैं बस दुआ कर रहा हूँ इधर किधर स्पीड कैमरा नहीं है ये लाइन में, क्योंकि ये रोड से मैं फर्स्ट टाइम आ रहा था, मुझे इधर का आइडिया नहीं है कि इधर है ऐसा कुछ, लग रहा तो नहीं है। सुबह से लेके अभी तक पहला टोल लगा मुझे ये, और हाँ टोल के लायक रोड भी है यार, बट हम बाइकर्स हैं हमारे लिए कोई टोल नहीं होता। बाइकर्स होने का सबसे बड़ा फायदा यही है कोई टोल नहीं रहेगा अपने लिए। अच्छा टोल बन रहा है अभी तक, बना भी नहीं है ये। रत्नागिरी खेड़ पोलादपुर, मेरे हिसाब से 160 के आसपास और होना चाहिए अभी रत्नागिरी इधर से। 160 किलोमीटर समझ लो लगभग 3-3.5 घंटे, और वैसे तो मैप में तो 4.5 घंटे दिखाते, 4-4.5 घंटे, बट मेरे हिसाब से जो हिसाब से स्पीड है बाइक की 3-3.5 घंटा बहुत हो गया 160 किलोमीटर के लिए। अगर ऐसे ही मैं नॉन स्टॉप जा रहा हूँ तो, और मैं नॉन स्टॉप ही जा रहा हूँ अभी क्योंकि रोड देख के मेरा मन नहीं है रुकने का, तो अभी मैं नॉन स्टॉप ही जाने वाला हूँ। रोड ने हालत किया है ना यार लिटरली, मतलब पुरजे दुखरे पोड़ी के। हाँ ऑलमोस्ट हो गया, बस अभी 30 किलोमीटर बचे तो लास्ट का आधा घंटा, अगर ऐसा रोड रहा तो फिर और 15 मिनट पकड़ लो। फिर इतना गंदा रोड है ना कसम से, पूरी हालत हो गई है बॉडी की आज। लिटरली ये हो गया है कि मैं कब पहुंचता हूँ होटल। शायद रिटर्न आने के टाइम मैं ये रोड लूँगा भी नहीं,
आने का मैं दूसरी रोड से आ जाऊंगा, क्योंकि ये रोड ने कुछ ज़्यादा ही हालत कर दिया आज। आज लग गया पूरा मुंह में पाउडर लग गया, पूरा पाउडर लगा के चला गया वो। एक तो मैं वाइज़र भी ओपन रखा हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना कि वाइज़र बंद करने में सफोकेट लग रहा है एकदम। थोड़ा पहले वाले ने पूरा पाउडर लगा दिया, अभी ये टचअप करने के लिए उड़ा के गया इतना सब, अभी ये टचअप कर देगा पाउडर पूरा। बाकी सीनरी तो एक से एक है यार इधर, मतलब व्यूज़ बोलेंगे ना, व्यू एक से एक है, बट रोड जितना व्यू अच्छा उतना रोड ख़राब। लाल मिट्टी है इधर लाल, ए आ पहली बार मैं होटल जाने के इतना डेस्परेट हो रहा हूँ कि मैं कब जाऊँ उधर होटल, सच में लिटरली हालत हो गया। मेरा आवाज़ से आप लोग समझ सकते हो मैं क्या हालत कर दिया होटल। हाँ अभी भूख बहुत ज़्यादा लगी, क्योंकि मैंने सोचा था ब्रेक लूँगा बट ब्रेक अभी तक लिया नहीं है, बस पानी पीने के लिए ब्रेक ले रहा हूँ मैं, अभी तक तो कुछ खाया भी नहीं है, तो अब तो हालत पक्की हो चुकी है। और ऊपर से ये धूप, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं बचा है बट रोड के वजह से ज़्यादा टाइम जा रहा है, वरना अब तक तो ये कवर हो चुका रहता है।